family. Students, I am just on the way to Mehali. और वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बेसिकली टूरिज्म की प्रमोशन के लिए एक नया प्रोजेक्ट करने के लिए जा रही है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर ये है कि कालाबाग का जो एरिया है वहाँ पे बोटिंग स्टार्ट करने के लिए जा रही है, वाटर स्पोर्ट्स और इस तरह की चीज़ें। टूरिज्म जो है ये मौजूदा हुकूमत का फोकस है, बदकिस्मत यही कोरोना आ गया उसकी वजह से डेवलपमेंटल एक्टिविटी सारी ख़त्म हो गई, अदरवाइज़ टूरिज़्म के ऊपर इस हुकूमत का बहुत ज़्यादा फोकस है। अच्छा, मुझे अभी आपसे बात करनी है बेसिकली कुछ चार पांच चीज़ें आपसे शेयर की जा सकती हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उस हवाले से। देखिए, अफ़गानिस्तान में जैसा कि आपको पता है कि फैब के बीच में एक पीस डील हुई तालिबान के माबैन और ट्रंप के माबैन, अमेरिका के माबैन, जिसके बीच में डिसाइड किया गया कि जी ठीक है, अमेरिका यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। उसकी कोई तीन चार शराइत बीच में रख दी गई कि जी कैदी जो है उनको एक्सचेंज किया जाएगा, जो मजीद वायलेंस है तालिबान उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे कि जो टैक्स वगैरह होते हैं ये ना हों। फिर अफगान गवर्नमेंट के साथ एक जो पीस के मुज़ाकरात हैं ये स्टार्ट हो जाएंगे वगैरह वगैरह। अब इस तनाजुर में अफगानिस्तान आज कहाँ खड़ा है, क्या ये इशू रिजॉल्व होने वाला है या क्या सूरत हाल है, वो एक इट्स बेसिकली क्वेश्चन। और फिर पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए, पाकिस्तान को क्या रोल प्ले करना चाहिए अफगानिस्तान के हवाले से, इट्स ए क्वेश्चन। देखिए, इस हवाले से पांच छह चीज़ें बताऊंगा और मेरा मकसद बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखिए, एक तो अगरचे के बहुत सारे फेजेस ऐसे आते हैं जिसमें ऐसा फील हो रहा होता है कि शायद अफगानिस्तान का जो इशू है ये रिजॉल्व होने के लिए जा रहा है परमानेंटली, लेकिन स्टिल इट अपीयर्स टू बी ए लॉन्ग वे टू गो। देखिए, तालिबान जो हैं उनकी एक हिस्ट्री है, वो आज काबिज़ हैं, उन्होंने डराया हुआ है अमेरिका को, वो बहुत सारे एरिए पर काबिज़ हैं, उनको पता है कि जो अफ़गान हुकूमत है वो उनके मुकाबले में बेबस और कमज़ोर है। सो इसका मतलब ये है कि तालिबान के ऊपर कोई इस टाइम प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करता, इस टाइम पर आज तक उनके ऊपर कोई प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अमेरिका को भी शिकस्त दे दी है, पहले रशिया को दी थी अब उन्होंने अमेरिका को भी शिकस्त दे दी, एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अफगानिस्तान के अंदर भी देखिए ना, जिस तरह अब्दुल्ला और अशरफ गनी हैं, इनके आपस में इख्तलाफात हैं एक दूसरे के साथ। अशरफ गनी नहीं चाहता तालिबान के साथ कोई बहुत ज़्यादा पीस टॉक, उसको पता है उसकी अपनी हुकूमत जाती है। अब दूसरी फैक्टर जो है वो यही है कि अफगानिस्तान क्यों इंटरेस्टेड हो पीस डील में, तालिबान के इंटरेस्टेड होने का तो हमें समझ में आता है, तालिबान की नहीं सॉरी अमेरिका के इंटरेस्टेड होने का, कि अमेरिका यहाँ से जान छुड़ाना चाह रहा है, अमेरिका पैसे खर्च करता है, उसे भागना चाह रहा है। अफगानिस्तान क्यों इंटरेस्टेड हो हुकूमत जो है अफगानिस्तान की, इसलिए कि उनको पता है कि अगर ये बिल्कुल पीस आ गया, सारा कुछ हो गया, तो हुकूमत पूरी उनके हाथ से जाएगी, जाहिर है कि कुछ ना कुछ बल्कि मेजर चंक वो शेयर कर रहे होंगे तालिबान के साथ। फिर इनको ये भी पता है कि आज बाहर की दुनिया अगर कुछ पैसा खर्च कर रही है उनके ऊपर तो वो भी नहीं रहेगा। फिर उनको ये भी पता है कि अफगानिस्तान के अंदर फिर सपोर्ट अगर निकल जाती है अमेरिका की और जो कोलिशन की जो फोर्सेस हैं उनकी, तो फिर अपनी इनकी फ़ौज और इनकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो तो बड़ी कमज़ोर हैं। तो इस बात का मतलब ये है कि ये जो गनी की हुकूमत है, अशरफ गनी की, वो इटसेल्फ कोई बहुत ज़्यादा इस पर मोटिवेटेड नहीं होगी कि ये जो पीस टॉक्स हैं कामयाब हो जाएं। अच्छा, फिर उसके बाद में ये कैदियों की एक्सचेंज, अभी बहुत सारी एक्सचेंज होना बाकी है, वो किस हद तक मटीरियलाइज हो सकती है ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगरचे के कुछ कैदी जो हैं अभी एक्सचेंज किए गए हैं, लेकिन ये तो जितने टोटल हैं उसका बहुत कम है, अगर 5,000 कैदी छोड़ने हैं तो अभी तो मेरे ख्याल 1,000 भी नहीं हुए, तो ये भी एक बहुत बड़ा है कि क्या तमाम के तमाम कैदी जिनके बारे में कहा गया है कि अफगान हुकूमत भी छोड़ेगी, तालिबान भी छोड़ेंगे, तो क्या इतने कैदियों को वाकई छोड़ दिया जाएगा, इट्स ए क्वेश्चन।
अच्छा, फिर उसके बाद में जो नॉन पश्तून फैक्टर्स हैं वो भी एक क्वेश्चन है कि जी उनका क्या फ्यूचर होगा, वो किस तरीके से सारे प्रोसेस का हिस्सा बन रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा फिर ये जो तालिबान है ये पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बात भी नहीं सुनते। अगर किसी ज़माने में पाकिस्तान की ये पाकिस्तान की परसेप्शन थी कि पाकिस्तान का कोई इन्फ्लुएंस है, तो आज वो इन्फ्लुएंस भी इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि ये शो करते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर पीस जो है ये स्टिल एक अपीयर्स टू बी ए डिस्टेंट ड्रीम, और ये कोई ऐसा टास्क नहीं है जो कि हासिल हो चुका हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का क्या फॉरेन पॉलिसी हमारी अफगानिस्तान की तरफ क्या होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान जो है इसको इट शुड रियलाइज, बल्कि आई थिंक इट हैज़ रियलाइज, कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को हम एक वी नीड टू रिस्पेक्ट इट्स सॉवरेनिटी, और इसके जो मामलात हैं हमने अपने आप को इंटरनल मामलात से अपने आप को डिसोसिएट करना है। अफगानिस्तान की हुकूमत को हमेशा पाकिस्तानियों से ये गिला रहता है कि पाकिस्तान जो है हमारे इंटरनल मामलात के बीच में इंटरवेंशन की, मनूवरिंग की कोशिश करता रहता है डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रेटजिक डेप्थ के तहत। लेकिन अब इस परसेप्शन को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को जिस तरह इंडिया के साथ हमें तल्लुकात मेंटेन किए हुए हैं, जिस तरह के भी हैं, ईरान के साथ हैं, बस अफगानिस्तान के साथ भी बस ऐसा ही है, उसके इंटरनल मामला जो हैं इट शुड बी दे शुड बी लेफ्ट टू दी अफगानी पीपल के वो खुद उसको डिसाइड करें। हमारी किसी भी किस्म की इंटरवेंशन उसके अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, अफगानिस्तान के साथ जो चीज़ डिस्कस करने वाली है वो चार पाँच जो हमारे इरीटेंट्स हैं उनके ऊपर बात होनी बहुत ज़रूरी है। अब वो इरीटेंट्स क्या है, वो इरीटेंट्स में सबसे पहले महाजरीन है जी। महाजरीन के हवाले से हमारी उन पर बात होना बड़ा ज़रूरी है, जो उसके बंदे यहाँ पे आगे बैठे हुए हैं 30 लाख अफगानी, उनको वापस भेजना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में क्राइम भी करते हैं, इकोनॉमिक बर्डन भी आ जाता है, और उनकी वजह से बार बार बॉर्डर क्रॉसिंग्स भी होती हैं, तो ये एक उनको वापस भेज देना चाहिए, वापस भेजना उनको बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, हमें अफगानिस्तान से बात करनी है बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से, कि किस तरीके से हम अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हमने फेंसिंग करनी है, कहाँ कहाँ पर ओपनिंग्स देनी है वगैरह वगैरह। तीसरे नंबर पर क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है इसको डिस्करेज करने के लिए बाकायदा एक जामिया हिकमत अमली नीड्स टू बी डिवाइज्ड। ना पाकिस्तान की तरफ से कोई वहाँ पर जाके पीस प्रोसेस को सैबोटेज करे, ना कोई उधर से यहाँ पे आए और पीस प्रोसेस को सैबोटेज करे। फिर उसके बाद में जो हमारी म्यूचुअल ट्रेड है उस ट्रेड के हवाले से हमारा डिस्कस किया जाना बहुत ज़रूरी है, कि किस तरीके से हम ट्रेड जो है इसको इन्हांस कर सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। एंड फाइनली, हमारा आज अगरचे इतना नहीं है लेकिन कल को बहुत हो जाएगा, ये जो रिवर काबुल है इसके ऊपर ये जो प्रोजेक्ट सोचे हुए हैं अफगानिस्तान ने, जिनके ऊपर वो वर्किंग कर रहा है, सो वाटर इशू जो है इसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर हमें अफगानिस्तान के साथ बात करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि तालिबान के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा कोई होप्स पिन नहीं करनी चाहिए तालिबान के ऊपर। हिस्ट्री साबित करती है इस चीज़ को कि तालिबान जिस दौर के बीच में यहाँ पर रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा ये पाकिस्तान के अंडर सवे नहीं रहे, ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बड़ा अहम कलीदी किरदार अदा किया था इनको हुकूमत में लाने के लिए 96 में, फिर इनको खुद भी तस्लीम किया, सऊदी अरब और UAE से भी तस्लीम करवाया, और क्या तीन ही दुनिया के ममालिक ने इनको रिकगनाइज़ किया। लेकिन इसके बावजूद भी वो हमारे बहुत ज़्यादा सवे में, हमारे असर में नहीं रहे। मल्टीपल्स इसकी आप मिसालें कोट कर सकते हैं, उन्होंने स्टूपास गिराए, स्टैचूज गिराए बहुत सारे, पाकिस्तान ने मना किया ना गिराओ, वो नहीं माने। फिर जब इस तरीके से रशियन इनके कब्ज़े में थे, पाकिस्तान ने कहा छोड़ दो, नहीं माने। फिर अफगानिस्तान तालिबान की हुकूमत के दौरान भी ये जो ड्यूरेंट लाइन है ये हमारे दरमियान मुतनाज़ा ही रही, उन्होंने कभी इसको तस्लीम नहीं किया। जो अफगानी तालिबान जब हुकूमत के बीच में थे 2001 से पहले, 96 से 2001 के दरमियान, फिर उसामा बिन लादेन को हमने कहा हवाले करो, उन्होंने नहीं माना।
तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल रीजंस हैं जो कि तमाम ये चीज़ें साबित करती हैं कि ये पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ज़ेरे असर कभी भी नहीं रहे। और आज तो उस वक़्त जब ये ज़ेरे असर नहीं रहे, उस वक़्त ये खुद एक मजबूर किस्म की हुकूमत थी, दुनिया के सिर्फ 3 मुल्कों ने इनको रिकगनाइज़ किया हुआ था। आज तो ये डायरेक्ट खुद बात करते हैं अमेरिका से और इनको पता है कि इन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर के घुटने जो है वो लगवा दिए हैं। तो भी बहुत ज़्यादा हमें कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं कर लेनी चाहिए। तालिबान आएगा तो पाकिस्तान के साथ इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी, रिलेशनिंग शुरू हो जाएगी। तो हमें अपना जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसी लिहाज से ही मरतब करनी चाहिए। विश बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।